लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के सामने अब अपना मोर्चा खोल दिया है। दरअसल तेज प्रताप यादव राजद से विधायक हैं, उसके बावजूद उन्होंने राजद के सामने मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि आपको पता है कि कल विधायकों की बैठक बुलाई गई थी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, जिसका अगुवाई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 सर्कुलर रोड रावड़ी आवास पर कर रहे थे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई राजद की तरफ से, उसमें तेज प्रताप का नाम आउट था, जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने ट्विटर के जरिए तेजस्वी यादव पर खुला हमला बोला। अब तेज प्रताप यादव ने जब राजद से हटकर अपनी लोक जनशक्ति परिषद का गठन किया, तब पार्टी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बयान दिया। उन्होंने कहा था कि तेज प्रताप यादव ने खुद को राजद से निष्कासित कर दिया है। देखिए, कल स्वर्गीय रामविलास पासवान, जो लोजपा के संस्थापक रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनकी पहली पुण्यतिथि थी। एक तरफ जहां चिराग पासवान उनकी पहली पुण्यतिथि दिल्ली में मना रहे थे, तो वहीं पशुपति कुमार पारस, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि लोजपा के प्रदेश कार्यालय पटना में मनाया। लोजपा कार्यालय में कल पशुपति कुमार पारस ने स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि मनाई, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान तक वहां पहुंचे, और एनडीए के घटक दल के वो तमाम मंत्री भी वहां पहुंचे। भाजपा की बात करें, जनता दल यूनाइटेड की बात करें, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात करें, या विकासशील इंसान पार्टी की बात करें, ये तमाम मंत्री वहां पहुंचे थे। साथ ही साथ राजद के विधायक तेज प्रताप यादव भी वहां पहुंच गए, और ये इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि आपको पता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भाजपा का शुरू से विरोध करते आए हैं। एक तरफ जहां लालू प्रसाद ने कल चिराग पासवान के दिल्ली स्थित आवास पर, वो वहां गए थे, वहां स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि में शामिल हुए, तेज प्रताप ने पारस के नियुक्ति का सम्मान किया और लोजपा कार्यालय पहुंच गए, जबकि महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर रह रहे उनके छोटे भाई तेजस्वी ने अपने निवास पर ही पासवान की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। पासवान की तस्वीर जयप्रकाश नारायण की तस्वीर के साथ लगाई गई थी, जिनकी पुण्यतिथि भी आज की ही तारीख को है। दिल्ली में लालू प्रसाद इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के निवास पर गए। राजद सुप्रीमो लोजपा के विभाजन के बाद जमुई के सांसद चिराग पासवान को अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए दिवंगत दलित नेता के साथ अपने निकट संबंधों का हवाला दे रहे हैं। तेज प्रताप अपने भाई तेजस्वी द्वारा तारापुर एवं कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के वास्ते रणनीति पर चर्चा के लिए बुलाई गई विधायकों की बैठक में भी नहीं पहुंचे। यह घटना ऐसे समय हुई है जब एक दिन पहले ही तेज प्रताप का नाम पार्टी के 20 स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया गया है।